वेलकम बैक टू द चैनल। और आज चैनल पर हमारे सामने फेमस वेगनार है जो आपको देख रही है, मिल रही है यहाँ पर। कुछ एसेसरीज इसके अंदर ऐड की गई हैं क्योंकि ये हमारा टॉप वेरिएंट नहीं है। इसमें टॉप वेरिएंट के अंदर नीचे फॉग लैंप आते हैं, इसमें अलग से लगाए गए हैं शोरूम पर ही। वेगनार आपको कुछ अलग अलग उसमें मिल जाती है वेरियंट्स के साथ, जिसके अंदर आपका इसका 1200 सीसी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन भी मिलता है आपको। 1 लीटर का आपको इसके अंदर CNG ऑप्शन मिल जाता है। 1 लीटर के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको CNG का ऑप्शन मिल जाएगा। और 1.2 आपको मैंने बताया, और एक इसका 1 लीटर का जो इंजन आता है K10C का जो इंजन आता है वो भी आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर जो CNG वाला आपको मिलता है 1 लीटर का जो इंजन ऑप्शन मिलता है वो आपको 3 सिलेंडर मिलता है। और पेट्रोल का जो 1 लीटर का आपको K10C का सीरीज का इंजन मिलता है वो भी आपको 3 सिलेंडर, और 1200 सीसी में आपको मिलता है जो वो मिल जाता है आपको 4 सिलेंडर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी कुछ शानदार प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरीके की फ्रंट की प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है, बढ़िया वाले हेलोजन बेस, बड़े बड़े लैंप जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी बल्कि बड़ा और अच्छा सा बनाते हैं। और बीच में आपको ग्रिल के बीच में क्रोम की एलिमेंट्स मिल जाते हैं, सुजुकी का लोगो, वैगनार, और यहाँ पर आपको नीचे फॉग लैंप आप लगवा सकते हैं, इस मॉडल में नहीं आते हैं। प्राइस की बात भी करते हैं, 6,38,000 रुपये में आप ये गाड़ी अपने घर पर ले जा सकते हैं। और ये आपको मैंने बताए हैं प्राइसिंग जो आपको बताए हैं ऑन रोड के, तो ये इस अमाउंट के अंदर ये गाड़ी और काफ़ी बड़ी दिखने वाली है गाड़ी, आपको बहुत इम्प्रेस करने वाली है। तो फ्रंट प्रोफाइल के बाद इसकी ये कुछ गाड़ी की साइड प्रोफाइल, बड़े बड़े डोर्स, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। टायर साइज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं देखने में 13 इंचेस के टायर साइज, स्टील रिम के साथ व्हील कैप लगे हुए, और फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है। रियर की बात करते हैं तो रियर में आपको मिल जाता है ड्रम ब्रेक। कुछ इस तरीके की इसकी ओवरऑल मैंने आपको बताई साइड प्रोफाइल। इसमें आपको फेंडर पर मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, एंट्री डोर हैंडल ब्लैक मिल जाते हैं। इस मॉडल में कोई भी रूफ रेल नहीं आती है, और बैक पार्ट जो इसका है ये ओवरऑल सभी का कुछ इस तरीके का ब्लैक डिज़ाइन जो है ये मिल जाता है। तो ये इसकी कुछ इस तरीके की हमने बात की, इम्प्रेसिव सी बढ़िया सी साइड प्रोफाइल की। बात करेंगे कुछ इसकी माइलेज के बारे में भी, और बात करेंगे इसके कुछ बूट स्पेस के बारे में भी। तो गाइज ये इसका पीछे का बैक प्रोफाइल है। बैक प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े पिलर लैंप, जो टेल लैंप लगे हुए हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव से लगते हैं, जो इसको एक स्कॉर्पियो को फील देते हैं कि ये मिनी स्कॉर्पियो फील लैंप, इसका जो लैंप का फील है वो वाला आता है। पीछे क्रोम के साथ इसके अंदर ये आपको बड़ा सा एलिमेंट मिल जाता है, वैगनार की बैजिंग मिल जाती है, सेंसर मिल जाते हैं, 2 नीचे सेंसर मिल जाते हैं, कोई रिवर्स जो कैमरा आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, कोई प्लेसमेंट उसकी नहीं देखने को मिलती है। चाबी से आपकी इसकी हैंडलिंग है सारी। और बात करेंगे कुछ इसके इंटीरियर की स्पेस की, यहाँ कोई डिफॉगर नहीं है इस मॉडल के अंदर। हाई माउंट स्टॉप लाइट ज़रूर मिल जाती है आपको यहाँ पर, और जो बल्ब वाले हैं वो आपके ये टर्न इंडिकेटर्स हैं, इसके ऊपर भी लैंप, यहाँ भी लैंप दिया गया, तो ये जब रात को जलता है तो बड़ा अच्छा इंप्रेसिव सा दिखता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी। लैंप ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको फील देखने को मिलेगा इस पिलर के लैंप पर। पिलर लैंप के साथ कुछ इस तरीके का फील आपको देखने को मिलेगा जब ये लैंप अपना फंक्शन में आते हैं, तो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लुक देती है गाड़ी, कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। तो अपने आप में काफ़ी फेमस एक ब्रांड है ये, फैमिली की फेवरेट गाड़ी जो बन चुकी है वैगनार, उसका ये बैक प्रोफाइल है। फ्रंट के जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो कुछ इस तरीके के हेलोजन बेस्ड मिलते हैं आपको, और इस तरीके के आपको लगते हैं। ये इसकी कुछ साइड प्रोफाइल के साथ इसके लैंप का रिएक्शन मैंने आपको दिखाया। इंजन की बात करें तो बहुत ही एफिशिएंट इंजन मैंने आपको बता दूं यहाँ पर आपको मिल जाता है, सुजुकी का बड़ा स्मूथ रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जिसकी नो कंप्लेंट आप मान सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की प्लेसमेंट, कोई यहाँ पर इंसुलेशन नहीं दिया गया, बैक में भी कोई इंसुलेशन नहीं है, तो इस प्रकार की इंजन की प्लेसमेंट मिल जाती है। ओवरऑल अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ, एक इस मॉडल का लेने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर भले से आपको ORVM जो आपको ऑटो फोल्ड नहीं मिलते हैं, आपको ऐसे ही मैनुअली इसको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल क्यों बन जाता है। फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी स्पेशियस और बढ़िया गाड़ी आपको मारुति सुजुकी की प्रोडक्ट के साथ मिल जाती है।
बात कर लेते हैं इसके इंटरनल स्पेस की, अंदर का स्पेस कैसा है, फील अंदर का कैसा है। तो डोर पैड पर आपको विंडो की कंट्रोलिंग, अच्छी बात यह है कि इस मॉडल में विंडो की कंट्रोलिंग मिल जाती है। डोर लॉक ऑन लॉक का फीचर मिल जाता है। यहाँ से इंटीरियर कुछ ड्यूल टोन के अंदर मिलता है आपको, कुछ इस तरीके का इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ये कुछ इसका इस तरीके का इंटीरियर मिल जाता है आपको देखने का। डैशबोर्ड, स्टेयरिंग, हाइट की एडजस्टमेंट नहीं मिलती। सीट अपने आप में अच्छी खासी थाई सपोर्ट के साथ मिल जाती है। इस सीट पर सीट कवर लगे हुए हैं, एसेसरीज का पार्ट है, थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। और साथ ही बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो यहाँ पर आप हेडलैम्प ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं, हेडलैम्प को मैनेज कर सकते हैं। ऑटो ऑफ का बटन है यहाँ पर आपको, हाई बीम लो बीम का। क्लस्टर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलता है इसका, ये कुछ इस तरीके का क्लस्टर है। म्यूज़िक सिस्टम इस मॉडल के अंदर नहीं आता है। और ड्यूल टोन के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात कर लें तो ठीक ठाक छोटू सा चुन्नू मुन्नू ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। डोर साइड की बात करते हैं ड्राइवर्स को, ड्राइवर साइड की, तो विंडो की कंट्रोलिंग उसमें भी आपको मिल जाएगी। एसी वेंट कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये आपका लैंप है, हैलोजन बेस्ड लैंप मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पर एयरबैग मिल जाता है। इस तरीके की बेसिक सी चाबी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें कोई कंट्रोलिंग आपको नहीं मिलती हमारे इस मॉडल में। और गाइज इसमें अलग से शोरूम से ये सेंटर लॉकिंग लगवाई गई है। तो बात करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दिखाते हैं आपको अंदर से। तो इस तरह का कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर डिजिटल पार्ट मिलेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको अदर पार्ट मिलेगा, जिसमें आपको फ्यूल का आपको इंडिकेट किया जाएगा, माइलेज बता देगी वो कि कितना गाड़ी माइलेज दे रही है, मैक्स स्पीड जो है 180 की, बैटरी के इंडिकेशंस और कुछ अदर इंडिकेशंस फ्यूल के मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये मैंने बताया। मैन्युअली आपको यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, हैजर्ड लैंप, और यहाँ कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है। 5-speed गियर कंसोल, सेंटर कंसोल, यहाँ पर कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं है। एक कप होल्डर है, यहाँ आप फ़ोन रख सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट इसके अंदर दिया गया है। तो 6,38,000 रुपये की ये डील आपके लिए बुरी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जब गाड़ी में बैठते हो तो जो विज़न सामने का जो आता है वो एक आपको बड़ी हाइट पर लगता है, बड़ा अच्छा सा जो लगता है आपको कि आप किसी बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हो, वो वाला फील आपको आता है वैगन आर के अंदर। अच्छी बात यहाँ पर क्या होने वाली है कि यहाँ पर आपको जो स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा स्पेस पीछे जो बैठने वाले हैं हमारे पैसेंजर्स उनके लिए स्पेस है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, ना आगे एडजस्टेबल है हेडरेस्ट, ना पीछे है। स्पेस काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है गाड़ी का। यहाँ पर आपको मैनुअली हैंडल करने को मिलती है, ये जो हमारी विंडो की कंट्रोलिंग्स हैं ये देख सकते हैं आप, ये मैनुअली मिलेगी आपको। पीछे की तरफ विंडो की कंट्रोलिंग्स नहीं दिए गए, पावर विंडो नहीं दिए गए। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, बैठकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नी स्पेस बहुत बढ़िया मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी ठीक है। और थोड़ा सा मुझे महसूस सिर्फ ये हो रहा है कि जो हमारा बैक रेस्ट है उसको हल्का सा अगर रिक्लाइन हो जाता तो वो थोड़ा सा और सपोर्टिव हो जाता पीछे बैठने वालों के लिए। हालाँकि बहुत ज़्यादा ट्रबल में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे नी सपोर्ट अच्छा मिल गया, मैं थोड़ा सा आगे ही खिसक कर बैठा हुआ हूँ सीट की वजह से, तो सीट अपने आप में ठीक है। चेकआउट करते हैं बूट स्पेस कैसा है वैगनआर का, और बूट स्पेस में हमारा क्या लगेज हम कैरी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अमाउंट का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलने वाला है, कोई पार्शल ट्रे इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर बूट स्पेस को कह सकता हूँ कि मैं अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। और ये जो है आराम से 4 लगेज आप कैरी कर सकते हैं इस गाड़ी के इस स्पेस में। जो स्पेयर टायर है स्टील रिम है, सेम साइज़ का आपको टायर मिलता है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। तो वैगन आर की ओवरऑल जो मैंने आपको बता दिया गाड़ी कि ये बूट स्पेस जो है ये फैमिली के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि जब फैमिली के साथ आप राइड पे जाते हो तो एटलीस्ट सामान जो है आपका वो ओवरऑल सही से रखा हुआ होना चाहिए। तो गाइस ओवरऑल मैंने बताया गाड़ी ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि एक स्पेशियस गाड़ी हो जाती है, फैमिली के 5 लोग भी अच्छे से राइड कर सकते हैं, 4 बड़े लोग और एक बच्चा जो है 8-9 साल 10 साल का बच्चा भी इसमें राइड कंफर्टेबल कर सकता है। तो ओवरऑल वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।